मनीला देवी टेंपल मनीला देवी मंदिर उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में स्थित है। देवदार और चीड़, बाज, बुरोश आदि घने वृक्षों की छाया में बसा मनीला माता का मंदिर। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय लगभग 128 किलोमीटर दूर, रानीखेत से लगभग 85 और रामनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर मनीला नामक स्थान पर माता का चमत्कारी मंदिर है। मनीला एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। मनीला में देवदार, चीड़, बुरोश, बाज के पेड़ों की छात्र छाया से यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य निखर जाता है। मनीला पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल आदि हिमाच्छादित शिखरों का आनंद लेने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मनीला समुद्र तट से 1850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, अखरोट, संतरा, माल्टा, खुबानी आदि होते हैं तथा यहाँ के तराई क्षेत्रों में आम, पपीता, केला आदि होते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से मनीला क्षेत्र का बहुत महत्व है। मनीला देवी को कत्यूरी राजाओं की कुल देवी कहा जाता है। यह मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली में बना है। कहा जाता है कि वर्ष 1488 में कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव ने मनीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में काले पत्थर से बनी दुर्गा माँ की मूर्ति तथा भगवान विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित हैं। वर्ष 1977-78 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ माँ मनीला देवी क्षेत्र में कुछ भी अप्रिय घटना होने से पहले लोगों को आवाज लगाकर सतर्क कर देती थी। कहा जाता है कि एक बार दूर प्रदेश से बैलों की खरीद फरोख्त करने हेतु मनीला क्षेत्र में आए, उनको एक जोड़ी बैल पसंद भी आ गए, लेकिन मोल भाव के कारण या किसी अन्य कारण से बैलों के मालिक ने बैल देने से इनकार कर दिया। व्यापारियों को वो बैल बहुत पसंद आ गए थे, उन्होंने उन बैलों को चुराने का फैसला। व्यापारी जैसे ही बैल चुराने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय माँ मनीला देवी ने बैलों के मालिक को आवाज लगाकर आगाह कर दिया। मनीला देवी टेंपल माता की आवाज सुनकर व्यापारियों ने बैलों की चोरी का फैसला त्याग दिया और वो माँ की मूर्ति अपने प्रदेश ले जाने के लिए चोरी की योजना बनाने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने माँ की मूर्ति उखाड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। और इसी खींचातानी में मूर्ति का एक हाथ उखड़ गया। उस टूटे हाथ को लेकर वो जैसे तैसे थोड़ी दूर तक पहुँचे कि उस हाथ का भार इतना ज्यादा हो गया कि उनको उसे
नीचे रखना पड़ा। दोबारा उन्होंने उस हाथ को उठाने की कोशिश की तो वो असफल हो गए। वो उस हाथ को वहीं छोड़कर भाग गए। दूसरे दिन गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने वहीं पर माता के मंदिर की स्थापना कर दी। इस प्रकार मनीला देवी के दो मंदिर मल्ला मनीला देवी और तल्ला मनीला देवी की स्थापना हुई। कहा जाता है कि माँ मनीला देवी ने इस घटना के लिए भी गांव वालों को आवाज मार के आगाह किया, लेकिन एक औरत ने ये आवाज सुनी बाहर आई और फिर अनसुना करके सो गई। तब से माँ ने वहाँ आवाज देकर आगाह करना बंद कर दिया। मनीला देवी मंदिर का ऐतिहासिक पौराणिक महत्व तो है ही, साथ साथ इसका पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। देवदार चीड़ के जंगलों के बीच सुरम्य स्थान में बसा मनीला देवी मंदिर लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत माँ मनीला हमेशा पूरा करती है। मनीला देवी मंदिर में नव विवाहित जोड़े मनोती मांगने आते हैं और माता रानी उनकी झोली खुशियों से भर देती है। दूर क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 24 कमरे रात्रि विश्राम हेतु बनाए गए हैं। मनीला देवी मंदिर जाने के लिए सबसे आसान मार्ग रामनगर से पड़ता है। रामनगर से मनीला देवी की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। रामनगर तक आप ट्रेन बस में आकर यहां से मनीला देवी के लिए टैक्सी बस सब उपलब्ध है।